और जय हिंद मेरे प्यारे साथियों। आज हम लोग शिक्षक भर्ती लिखित परीक्षा साथ ही साथ यूपीटीटी के लिए एक महत्वपूर्ण अध्याय आपके लिए है, जिसका नाम है भारतीय संविधान। भारतीय संविधान में हम उन सभी प्रश्नों को पढ़ेंगे जो भर्ती परीक्षा में आपके बार बार आते हैं, जहाँ से जिसको पढ़कर आप सरकारी शिक्षक बनने में आपको बहुत ही आसानी होगी, और साथ ही साथ ऐसे वो प्रश्न जिनको पढ़ने के बाद आपको भारतीय संविधान अलग से पढ़ने की जरूरत नहीं पड़ेगी। इसलिए अगर आप इस वीडियो के अंत तक बने रहना चाहते हैं तो कॉपी कलम लेकर बैठ जाइए। इस एमसीक्यू प्रश्नों की सीरीज के साथ हम लोग आपके लिए एक महत्तर कॉन्सेप्ट का एक नोट्स आपके हाथ में होगा, और हम आपके सिलेक्शन के लिए लगातार मेहनत कर रहे हैं। उसी उपलक्ष्य में क्लास प्रतिदिन रात 9:30 एज ए गेस्ट फैकल्टी के रूप में निःशुल्क मैं 9:30 इन लर्निंग विद दुर्गेश के फेसबुक पेज और यूट्यूब चैनल पर लाइव आता हूँ। मेरा उद्देश्य आपका सिलेक्शन और आपका उद्देश्य आपको अपना बेस्ट देना। अगर ये दोनों उद्देश्य मिल जाए तो आपको सफलता से कोई रोक नहीं सकता। ये भारतीय संविधान का पहला लेक्चर आपके लिए होगा, जहाँ पे भारतीय संविधान का परिचय करेंगे, भारतीय संविधान की भूमिका को पढ़ेंगे, भारतीय संविधान से आने वाले प्रश्नों को पढ़ेंगे। तो बिना देरी के आप सभी लोग शुरुआत हो जाइए। पहला प्रश्न आपके डिस्प्ले पर दिख रहा है कि निम्नलिखित अधिनियम द्वारा भारत में प्रांतों को स्वायत्तता प्रदान की गई थी। काफी इंपॉर्टेंट और यूनिक प्रश्न है। मैं उम्मीद करता हूं आप इस प्रश्न का जवाब सभी साथी फटाफट देंगे, क्योंकि आप रेस के घोड़े हैं और रेस के घोड़े रेस में अच्छे लगते हैं, खेत में नहीं। तो जल्दी से जवाब दीजिएगा। जी हां मेरे प्यारे साथियों, मेरे प्यारे शिक्षक अध्यापक अध्यापिकाओं, निम्नलिखित में से किस अधिनियम द्वारा भारत में प्रांतों को स्वायत्तता प्रदान की गई है? जल्दी से जवाब दीजिएगा। जी हाँ मेरे साथियों, आप लोगों ने एकदम सही बताया, भारत सरकार अधिनियम 1935। एक बात यहाँ पे और याद रखिएगा, जो वर्तमान भारतीय संविधान है, जी हाँ मेरे प्यारे साथियों, जो भारतीय संविधान है इसमें 75% हूबहू या थोड़े परिवर्तन के साथ भारत शासन अधिनियम 1935 से लिया गया है। वर्तमान में भारतीय संविधान का जो ढांचा है 1935 के अधिनियम पर आधारित है। अगर देखा जाए क्या क्या चीजें है, तो आइए उनके बारे में हम एक छोटा सा नोट बनाते हैं। पहला, मेरी बात को गौर करिएगा, अगर आपको सिलेक्शन लेना है तो हम एकदम व्याख्या करेंगे। पहला क्या है, संघात्मक सरकार क्या है? हमारे यहाँ कौन सी है? संघात्मक सरकार है। ये कब की आई थी? ये 1935 में आई थी और जो आज भी है, ध्यान दीजिएगा। दूसरा पॉइंट, जो भारत शासन अधिनियम 1935 में था आज भी था, केंद्र में द्वैध शासन व्यवस्था। जी हाँ, केंद्र में द्वैध, मेरी राइटिंग थोड़ी सी गड़बड़ हो सकती है, शासन व्यवस्था। तीसरी पॉइंट देखेंगे तो प्रांतों में भी द्वैध शासन स्थान पर स्वायत्त शासन की स्थापना की गई। तीसरा, प्रांत में क्या की गई? द्वैध शासन के स्थान पर क्या किया गया? स्वायत्त शासन। ठीक है, स्वायत्त शासन व्यवस्था। और अगर हम देखें द्विसदनी केंद्रीय विधानमंडल, द्वि देखते चलिएगा ये आज भी है कि नहीं, द्विसदनी विधानमंडल, द्विसदनी विधानमंडल। उसके बाद प्रांतीय विधानमंडल, केंद्र प्रांतों के शक्तियों का विभाजन, फेडरल न्यायालय, इन सभी की स्थापना जो हुई थी ये सभी आज भी हैं। ये भारत सरकार भारत शासन अधिनियम 1935 का अभिन्न हिस्सा है। हम आगे बढ़ रहे हैं अगले प्रश्न की तरफ, लेकिन आप लोग इसे नोट डाउन करते चलिएगा। अगला प्रश्न आपके सामने है कि भारतीय संविधान के ऊपर सबसे अधिक प्रभाव किसका माना जाता है? सभी लोग फटाफट कमेंट करें, एकदम यूनिक प्रश्न है। मैं उम्मीद करता हूं जितने लोग इस वीडियो को लाइव देख रहे हैं सभी साथी फटाफट कमेंट करें, भारतीय संविधान में सबसे ज्यादा प्रभाव किसका है? सभी साथी फटाफट कमेंट करके जवाब देंगे। सभी साथी जो लोग वीडियो को लाइव देख रहे हैं सभी साथी फटाफट कमेंट करें, अगर आपको सरकारी शिक्षक बनना है तो आपको सभी प्रश्न का जवाब देना होगा। सभी साथी फटाफट कमेंट करें, जो भी इस वीडियो को लाइव देख रहे हैं सभी साथी फटाफट कमेंट करें। देखिए मैंने अभी ऊपर बताया, ऊपर अभी जस्ट मैंने बताया, अगर आपने मेरी वीडियो को, मेरी बात को, मेरी लैंग्वेज को सुना होगा तो इस प्रश्न को गलती नहीं करेंगे। क्यों? क्योंकि मैंने बताया कि भारत शासन अधिनियम से एकदम हूबहू 75% प्लस, माने 75% से ज्यादा हिस्सा भारतीय शासन अधिनियम से है, उससे ज्यादा ही है, कम नहीं है। इसलिए इस प्रश्न का उत्तर होगा भारत शासन अधिनियम 1935। अभी मैंने ऊपर इस बात का जिक्र किया, आज भी जो भारतीय संविधान है सबसे ज्यादा प्रभाव भारत शासन अधिनियम 1935 का। इसका कारण भी मैं आपको बता दूंगा। इसका कारण यह था
चलिए मैं आगे बताऊंगा, जब आपकी संख्या बेहतर हो जाएगी तब मैं और अच्छे से आपको उसको समझाने का प्रयास करूंगा। तब तक हम बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न आपके डिस्प्ले पर दिख रहा है, किस देश में अलिखित संविधान है? सभी साथी फटाफट कमेंट करें, सभी साथी जितने लोग इस वीडियो को लाइव देख रहे हैं, जितने भी मेरे प्यारे शिक्षक शिक्षिका, मेरे प्यारे अध्यापक अध्यापिका, भाई बंधु मित्र हैं, वे सभी इस प्रश्न का जवाब देंगे, किस देश का अलिखित संविधान है। माने लिखित की बात नहीं कर रहा है, अलिखित की बात कर रहा है। सभी साथी फटाफट कमेंट करें, जो लोग इस वीडियो को लाइव देख रहे हैं, सभी साथी बताइए किस देश का संविधान अलिखित है, माने लिखित नहीं है। देखिए यूएसए इसका लिखित है, पाकिस्तान का, भारत का, लेकिन यूके का, यूनाइटेड किंगडम का यह नहीं लिखित है। ठीक, यहां पे परंपराओं के आधार पर शासन चलता है, संसदीय व्यवस्था है परंपराओं के आधार पर है, इसलिए जो गलत है वही सही है। इस प्रश्न का उत्तर क्या होगा? यूके, यूनाइटेड किंगडम इज अ राइट आंसर। जी हां, आप लोगों ने एकदम सही जवाब दिया है। ठीक है, अगले बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरह। ठीक, देखिए जितना सिलेबस में था मैं उतना ही पढ़ा रहा हूं, उससे ज्यादा ना उससे कम, क्योंकि उतना जितना आपको नौकरी मिल जाए। हम आगे बढ़ रहे हैं अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न आपके डिस्प्ले पर दिख रहा है कि भारतीय संविधान सभा द्वारा भारत के संविधान का अधिनियम किया गया, इसके सदस्य कौन थे? सभी साथी जरा सा फटाफट कमेंट करें और कमेंट करके बताएं, संविधान सभा द्वारा भारत के संविधान का अधिनियम किया गया, उसके सदस्य कौन थे? माने जो भारतीय संविधान को, जो भारतीय संविधान है, उस भारतीय संविधान सभा में जो लोग गए थे वो कहां से गए थे? जल्दी से कमेंट करके बताइए सभी साथी फटाफट कमेंट करिए, कमेंट करके जवाब दीजिएगा, जो लोग इस वीडियो को लाइव देख रहे हैं, क्योंकि हमें उतना ही पढ़ना है जहां से आपकी परीक्षा में हुबहू प्रश्न आए। सभी साथी फटाफट कमेंट करें। जी हाँ मेरे प्यारे साथियों, जवाब देते रहिएगा, ध्यान से देखिएगा। राजनीतिक दलों द्वारा नामित थे, विभिन्न प्रांतों के विधानसभाओं द्वारा निर्वाचित थे, क्या थे? देखिए गवर्नर जनरल द्वारा भी नहीं थे, प्रत्यक्ष लोग भी नहीं, दल भी नहीं, तो ये विभिन्न प्रांतों के विधानसभाओं द्वारा निर्वाचित होकर भारतीय संविधान में पहुंचे थे। जी हां मेरे साथियों, सभी साथी ध्यान से देखिएगा, समझिएगा। ठीक, क्लियर हुआ कि नहीं? सभी कॉन्सेप्ट हो रहा है ना, समझ में आ रहा है? बहुत ही अच्छा, इस तरह लगे रहिए, यकीनन आप शिक्षक भर्ती परीक्षा में अपना एक स्थान जरूर फिक्स कर लेंगे। ठीक है, हम आगे बढ़ रहे हैं अगले प्रश्न की तरफ। अगला है, भारतीय संविधान में आपात उपबंध कहां से लिए गए हैं? सभी साथी फटाफट कमेंट करेंगे, जो लोग इस वीडियो को लाइव देख रहे हैं जल्दी से फटाफट कमेंट करें। अभी तक आपने वीडियो को लाइक नहीं किया, लाइक करने के बाद शेयर जरूर कर दें। शुरू वीडियो शुरू नहीं होता, कुछ लोग अनलाइक करके बैठे रहते हैं, ईश्वर भगवान को जिंदगी भर उन लोग को ऐसे बना दे। हाँ, क्योंकि ऐसे लोग बिना देखे मूल्यांकन कर देते हैं, ईश्वर उनको ऐसे ही बनाए रहे, उनकी बुद्धि विवेक ऐसे बनाए रहे, और परीक्षा हाल में जाए तो उनका गोला, जो रजिस्ट्रेशन गोला पहले से इसे रंगा रहे। लेकिन आप लोग का नहीं, आप लोग अच्छे लोग हैं, आप लोग का गोला जो गलत भी हो जाए, ईश्वर करे वही बिल्कुल सही हो जाए। ठीक है, जितने लोगों ने वीडियो को शेयर और लाइक किया है, वो गलत गोला भी अगर कर दें, ईश्वर वही विकल्प उनका सही कर दे। और जो क्लास चालू होने से पहले लाइक करते हैं, भगवान उनको ऐसे ही बनाए रहे, परीक्षा में भी उनके गोला रजिस्ट्रेशन रोल नंबर गोला ऐसे होता रहे, क्योंकि वो उसी लायक है, क्योंकि अच्छे लोग अच्छी जगह मिलना चाहिए ना। देखिए भारतीय संविधान में जो आपात उपबंध है, एकदम यूनिक प्रश्न है। भारत में तीन तरह के आपात उपबंध की बात की गई है, कितने प्रकार की? तीन प्रकार के उपबंध, ये कहां से ले गए हैं बताइए। देखिए यहां पर अगर आपात उपबंध की बात करें तो ये भी यहां से लिया गया है, भारत शासन अधिनियम 1900। तीन तरह से है, बताइए कौन कौन सा। देखिए यहां पर हम लिखते हैं आपात उपबंध, आपात उपबंध। ठीक, वैसे जिस संविधान से है अभी उसके बारे में आगे बताऊंगा। तीन तरह की व्यवस्था, पहला आर्टिकल 352, दूसरा है आर्टिकल 356, चौथा है आर्टिकल 360। तीन तरह के हमारे यहां इसका उपबंध किया गया है, ध्यान दीजिएगा। पहला उपबंध है 352, किसी राज्य विशेष कहीं भी आप लोग देख सकते हैं, बाह्य युद्ध अन्य दशा में 352, राष्ट्रपति शासन जो राज्य में लगता है 356, 360 वित्तीय आपात जो आज तक भारत में कभी नहीं लगा है। ये दोनों भारत में लग चुके हैं लेकिन वित्तीय आपात कभी नहीं लगा है। तीन प्रकार के उपबंध होते हैं, जिसका जिक्र अगर देखा जाए तो 352 से लेकर 360 में और भाग 13 में किया गया है, भाग 18 में ना, भाग 18 में। अनुच्छेद की बात की जाए तो अनुच्छेद 352 से लेकर
360 तक इसका उपबंध किया गया है। हम लोग आगे बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ, ठीक है। हम आगे बढ़ रहे हैं अगले प्रश्न की तरफ, चाहे तो स्क्रीनशॉट क्लिक कर लें। अगला प्रश्न है, प्रथम केंद्रीय विधानसभा गठन कब किया गया था। बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रश्न है, शिक्षक भर्ती के लिए एकदम मसालेदार प्रश्न है, क्योंकि ऐसे प्रश्न हुए आपकी परीक्षा में आएंगे। यकीनन जब परीक्षा से बाहर आएंगे तो आपको ये जरूर लगेगा कि आपने इलनिबी दुर्गेश पर जो अपनी क्लासेस पढ़ी थी वह कितना आपके लिए मददपूर्ण रही है। बताइए सभी लोग फटाफट कमेंट करके, प्रथम केंद्रीय विधानसभा गठन कब किया गया था। सभी साथी फटाफट कमेंट करें, प्रथम भारतीय केंद्रीय विधानसभा। देखिए, एक 1919 का अधिनियम आया था। कौन सा अधिनियम? 1919 अधिनियम आया था। अभी इसके बारे में पढ़ाएंगे इसलिए अधिनियम का नाम नहीं ले रहे हैं। 1919 का एक अधिनियम आया था, इसमें इसका गठन किया गया था। कब? 1921 में। इसके प्रथम अध्यक्ष कौन थे, किसी को पता है? फ्रेडरिक वाइट थे इसके प्रथम अध्यक्ष। ध्यान दीजिएगा, प्रथम अध्यक्ष भी पूछ सकता है, इसलिए मैं आपको लिखवा दे रहा हूं। प्रथम अध्यक्ष कौन था? तो प्रत्यक्ष अध्यक्ष कोई बताएगा? फ्रेडरिक, ध्यान से लिखना चाहे तो लिख लीजिएगा, फ्रेडरिक वाइट। फ्रेडरिक वाइट थे। कब से कब? 1921 से लेकर 25 तक केंद्रीय विधानसभा के जो पहले अध्यक्ष थे। अगर दूसरे अध्यक्ष देखा जाए तो स्वराज पार्टी के विट्ठल भाई पटेल थे, ये पहले थे। अगर दूसरा पूछ लेता, ये भी आपकी परीक्षा में पूछ सकता है, विट्ठल भाई, ध्यान दीजिएगा, विट्ठल भाई पटेल स्वराज पार्टी से थे। ये कब से कब थे? 1925 से 1930 तक थे, ठीक। विट्ठल भाई पटेल, इनको डीप में पढ़ना है क्योंकि आपकी परीक्षा के लिए महत्वपूर्ण है, ठीक। मैं आगे बढ़ रहा हूं अगले प्रश्न की तरफ, चाहे तो आप इस प्रश्न की स्क्रीनशॉट क्लिक कर लें। अगला प्रश्न आपके डिस्प्ले पर है, भारत की संविधान सभा किसके कहने पर बनाई गई थी। एकदम यूनिक प्रश्न है, आपके सिलेबस में, आपके पाठ्यक्रम में है, और वही मैं आपको पढ़ा रहा हूं जहां से आपके पाठ्यक्रम में, आपके सिलेबस में है, जहां से पढ़कर आपको सिलेक्शन मिल सकता है, उससे बाहर नहीं। सभी साथी फटाफट कमेंट करें और वीडियो का शेयर कर दीजिए। इतना तो कर सकते हैं, लाइक नहीं करिए लेकिन शेयर कर दीजिए, लोगों तक पहुंचाइए। यकीनन यहाँ सिलेक्शन जरूर मिलेगा, मैं इस बात की गारंटी लेता हूँ कि आप अगर इस क्लास को रेगुलर पढ़ते रहेंगे 9:30 बजे लाइव आके, अगर थोड़ा सा भी भरोसा हो, थोड़ा सा भी आत्मा है, तो जरूर शेयर करिएगा, जरूर से, ठीक है। भारत की संविधान सभा किसके कहने पर बनाई गई थी, याद रखिएगा, कैबिनेट मिशन 1946, कैबिनेट मिशन 1946 के कहने पर भारतीय संविधान सभा बनाई गई थी। इसके गठन निर्माण के लिए ही पर किया गया था, इसलिए इस प्रश्न का सही उत्तर जो होगा वह डी होगा। अगर यहां से कोई दिक्कत, कोई समस्या हो तब 10 बार पूछेंगे, मैं 10 बार बताऊंगा, लेकिन मेरा उद्देश्य आपका सिलेक्शन है और आपका उद्देश्य आपको अपना बेहतर देना है। हम आगे बढ़ रहे हैं अगले प्रश्न की तरफ, ठीक है। आगे बढ़ रहे हैं, अगला प्रश्न है आपके सामने, निम्नलिखित में से किस अधिनियम में नियंत्रित महालेखा परीक्षक नाम पद का सुझाव दिया गया। यह प्रश्न आपको केवल इलनिबी दुर्गेश के लाइव क्लास में मिलेगी, अन्य जगह आपको नहीं पढ़ने को मिलेगी, क्योंकि आपने देखा होगा शिक्षक भर्ती में ऐसे ऐसे प्रश्न आए हैं, UPTT में ऐसे ऐसे प्रश्न आते हैं जहां आपको मेहनत करनी पड़ती है, जहां से आपको सिलेक्शन लेना पड़ता है, तो यहां से हुबहू आपके परीक्षा में प्रश्न आने वाले हैं, इसलिए इसको जरूर पढ़िएगा। देखिए, नियंत्रक महालेखा परीक्षक कितना जबरदस्त प्रश्न है। नियंत्रक महालेखा जो है इसकी, ये भारत के किस अनुच्छेद में है ये आप बताएंगे, लेकिन भारत शासन अधिनियम 1919, सबसे पहले इसका सुझाव जो दिया गया था भारत शासन अधिनियम 1919 में दिया गया था, इसलिए इस प्रश्न का उत्तर 20 का सही जवाब होगा, 20 प्रश्न का राइट आंसर होगा, सभी प्रश्न का उत्तर 1935 नहीं होगा। लेकिन अगर आज की बात की जाए तो ये अधिनियम जो है ये अनुच्छेद 148 में है। याद रखिएगा, एक नंबर आपका और तैयार हो गया कि नियंत्रक महालेखा परीक्षक भारत के किस आर्टिकल में है, अनुच्छेद 148 में है। ये राष्ट्रपति को, राज्य सरकार की रिपोर्ट राज्य के राज्यपाल को, और केंद्र की भारत सरकार जो राष्ट्रपति को देती है, तो यह बात आपके लिए याद रखिएगा, ठीक है। अनुच्छेद 148 एकदम राइट आंसर। मैं आगे बढ़ रहा हूं अगले प्रश्न की तरफ, आप लोग ऐसे ही बने रहिएगा, जरूर आप
एक पद जरूर लेंगे, क्योंकि रेस के घोड़े रेस में जो अच्छे लगते हैं। अगला प्रश्न आपके सामने है, भारत की संविधान सभा का अध्यक्ष कौन था? यह विवादित प्रश्न था शिक्षक भर्ती लिखित परीक्षा 2019 का, तो मैं नहीं चाहता अगली बार आप गलती करें, अगली बार सिलेक्शन से आप चूके, क्योंकि एक एक नंबर से सिलेक्शन रुकता है, एक एक पॉइंट से सिलेक्शन रुकता है। हम आपको वो चीजें देंगे, वो चीजें बताएंगे जो परीक्षा में हूबहू पूछे जाते हैं, क्योंकि आपको सभी को अध्यापक अध्यापिका बनना है। जी हाँ मेरे प्यारे साथियों, आप लोग इसी तरह से अपना उत्तर देते रहिए, हम आपकी पूरी मदद करते रहेंगे। भारतीय संविधान सभा का प्रथम अध्यक्ष कौन था, बड़ा विवादित प्रश्न है, इसलिए इसका उत्तर होगा डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। क्यों? यहाँ पे अध्यक्ष की बात का है, यहाँ पे दो बातें आपको नहीं दिख रही हैं, आइए वो दोनों बात को, ये होगा डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। कैसे? यहाँ पे दो होंगे, एक अस्थाई एक अस्थाई। अगर यहाँ पे अस्थाई की बात करें, ध्यान दीजिएगा, एक अस्थाई थे और एक अस्थाई, ठीक, अस्थाई थे और ये अस्थाई थे। यहां पे राजेंद्र प्रसाद होंगे, जी हाँ यहां पे राजेंद्र प्रसाद जी होंगे, और दूसरी तरफ अगर पूछा जाए तो सच्चिदानंद सिन्हा। जी हाँ मेरे प्यारे साथियों, सच्चिदानंद सिन्हा। अब यहां से एक बात और देखना है, देखिए जब 9 दिसंबर 1946 को बैठक हुई थी, 9 दिसंबर 1946 को, तो ये थे, क्योंकि बैठक संपन्न नहीं होती, बाकी 11 दिसंबर 1946 से लेकर भारतीय संविधान लागू होने तक माने 26 जनवरी 1950 तक, वैसे 24 जनवरी था, 26 जनवरी 1950 तक संविधान सभा के अध्यक्ष के रूप में डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद रहे। यह बात आप लोग अच्छी तरह से जानते रहिएगा, यहां से आपकी परीक्षा में प्रश्न आ चुका है। सोचिए हम वही प्रश्न करा रहे हैं जो परीक्षा में सीधा सीधा पूछा जाता है, इससे तो स्पष्ट हो गया ना यह क्लास आपके लिए कितनी महत्वपूर्ण है। क्लियर हुआ ना, समझ में आ रहा है ना आप लोग को? सिलेक्शन जो लेना है पिछली बार विवादित था, सरकारी नौकरी करनी है आपको, मेहनत करना होगा। मैं आगे बढ़ रहा हूं अगले प्रश्न की तरफ, कोई दिक्कत कोई समस्या हो तो कमेंट जरूर करिएगा, और आप सभी लोग जागृत कक्षा में अपना फीडबैक देते रहिए, अपने जिले का नाम बताते रहिए। मैं आगे बढ़ रहा हूं अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न आपके सामने है, शायद आपको दिख रहा होगा, निम्नलिखित में भारतीय संविधान का अध्यक्ष कौन है? बताइए, मैं वही प्रश्न है, थोड़ा सा भाषा बदल गया है, लेकिन बताइए सभी लोग फटाफट कमेंट करके। जो लोग वीडियो को लाइव देख रहे हैं, जिनको अपना बेस्ट देना है, वो यकीनन आप सफलता के करीब पहुंचेंगे। बहुत अच्छा लगा आप लोग के साथ जुड़कर, क्योंकि आपको सरकारी शिक्षक बनाना है, शिक्षिका बनाना है, तो यहाँ पर ध्यान दीजिएगा डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद इस प्रश्न का राइट आंसर होगा, जस्ट मैंने ऊपर बताया था। ठीक है, बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत अच्छा लग रहा है, लगे रहिए, सिलेक्शन आपके कदमों में होगा। अगला प्रश्न आपके लिए है, भारतीय संविधान की प्रस्तावना में किस प्रकार की न्याय की बात नहीं कही गई है? हमें देखना है सबसे पहला जवाब किसका आता है, कौन ऐसा व्यक्ति है जो सबसे पहले प्रश्न का जवाब देगा, जो सबसे पहले सिलेक्शन के लिए पहुंचता है। जल्दी से फटाफट कमेंट करिएगा, जो लोग इस वीडियो को लाइव देख रहे हैं सभी साथी फटाफट कमेंट करें, जल्दी जल्दी। यह समझिए परीक्षा हाल में है, ये घर पर बैठकर नहीं पढ़ रहे हैं आप। भारतीय संविधान की प्रस्तावना में, मैं प्रस्तावना पढ़ रहा हूं, मुझे याद है, हम भारत के लोग भारत को संपूर्ण प्रभुत्व समाजवादी पद निरपेक्ष लोकतंत्रात्मक देश बनाने के लिए समस्त नागरिकों को सामाजिक आर्थिक राजनीतिक न्याय विचार व्यक्त, तो समझ में आया आपको? आपको भी याद करना होगा, आपको मेरी तरह रटना पड़ेगा। तो यहां पर ध्यान दीजिएगा, न्याय की बात कही गई है, सामाजिक राजनीतिक आर्थिक, लेकिन लोकतांत्रिक न्याय की बात नहीं की गई है, और जो गलत है वही सही है, इसलिए इस प्रश्न का विकल्प ए लगाएंगे। मैं दोबारा पढ़ रहा हूं, हम भारत के लोग भारत को एक संपूर्ण प्रभुत्व सामाजिक आर्थिक और राजनीतिक न्याय की बात कही गई है, सामाजिक आर्थिक राजनीतिक न्याय की बात कही गई है, लोकतांत्रिक न्याय की बात नहीं कही गई है। क्योंकि प्रश्न को ध्यान से समझिएगा, संविधान की प्रस्तावना में न्याय की बात नहीं कही गई, तीन कही गई है, कौन कौन? सामाजिक आर्थिक और राजनीतिक, जबकि लोकतांत्रिक शब्द का प्रयोग लोकतंत्रात्मक गणराज्य बनाने के लिए किया गया है। जी हां, इसका लोकतंत्रात्मक गणराज्य बनाने के लिए किया गया है। ठीक है, मेरी बात को ध्यान समझिएगा, परीक्षा हाल में गलती मत करिएगा, ऐसे प्रश्न परीक्षा में आजकल पूछे जाते हैं, नहीं वाले। जी हाँ, ये जौनपुर जनपद से चलती है। ठीक है, हम आगे बढ़ रहे हैं अगले प्रश्न की तरफ, लगे रहिए आप लोग, यार शेयर कर दीजिए, अपने दिल की आत्मा सुनिएगा, आवाज़ अगर करे कि नहीं वास्तव में इसे सिलेक्शन मिलेगा, तो मेरा निवेदन है कि अपने व्हाट्सएप फेसबुक ग्रुप में जरूर शेयर करिएगा। हम आगे बढ़ रहे अगले प्रश्न की तरफ, संविधान के अंतर्गत भारतीय लोकतंत्र के आदर्शों को हम कहाँ देख सकते हैं? सभी साथी बताइए कमेंट करके। वारे मेरे प्यारे साथियों,
भविष्य के भावी अध्यापक अध्यापिकाओं जल्दी से कमेंट करिए और उड़ा दीजिए ऐसे प्रश्नों को। संविधान के अंतर्गत भारतीय लोकतंत्र के आदर्शों को हम कहां देख सकते हैं? भाग चार, भाग एक क्या है पता है? संघ और उसका राज्य क्षेत्र, संघ और उसका राज्य क्षेत्र। भाग तीन में क्या है? मूल अधिकार, मूल अधिकार। भाग चार में है नीति निर्देशन सिद्धांत। ठीक है, निर्देशक सिद्धांत है। क्लियर हुआ आप लोग को? नहीं क्लियर हो रहा है? ठीक, और यहां पर क्या होगा? प्रस्तावना। क्या होगा इसका उत्तर? प्रस्तावना होगा। जी हाँ, प्रस्तावना जो मैं भी पढ़ रहा था, हम भारत के लोग भारत के संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न समाजवादी पद निरपेक्ष लोकतंत्रात्मक गणराज्य बनाने के लिए इसका समस्त नागरिकों सामाजिक, अभी आगे हम लोग इसको पढ़ेंगे, तो इसे प्रस्तावना कहते हैं। ठीक है, ठीक, क्लियर हुआ? कोई डाउट किसी को हो तो जरूर पूछेगा। प्रस्तावना इस प्रश्न का राइट आंसर होगा। जी हाँ मेरे प्यारे साथियों, जल्दी से जल्दी जल्दी बताइए, समझ में आ रहा है ना आप लोग को? जी हाँ, आप लोग लाइक नहीं किए, शेयर नहीं कर रहे, क्या बात है, नाराज हैं क्या आप लोग? अगला प्रश्न है आपके सामने, संविधान की प्रस्तावना प्रेम्बल में भारत को निम्नलिखित में से किस रूप में घोषित किया गया है? जो इस वीडियो को लाइव देख रहे हैं जरूर से जवाब देंगे। मैं चाहूंगा कि आप सभी लोग इस प्रश्न का जरूर जवाब देंगे। यकीनन आप लोग वास्तव में एक सरकारी अध्यापक अध्यापिका बनने के योग्य हैं, इसीलिए आप प्रतिदिन रात 9:30 बजे लाइव आ जाते हैं। सभी साथी जल्दी से फटाफट करें। जी हाँ, 9:30 बजे ई लर्निंग विद दुर्गेश पर लाइव होती है। टेलीग्राम ज्वाइन कर लीजिएगा, दुर्गेश सर सर्च करके ई लर्निंग विद दुर्गेश पर, प्रतिदिन आपको यहाँ पे लिंक मिलती रहेगी क्लास की। देखिए, संविधान की प्रस्तावना प्रेम्बल में भारत को निम्नलिखित किस रूप में घोषित किया गया है? देखिएगा, एक प्रभुत्ता संपन्न लोकतांत्रिक गणराज्य, एक समाजवादी लोकतांत्रिक गणराज्य। तो प्रभुत्ता संपन्न हो, सावंटी हो, सोशलिज्म हो, पदनिरपेक्ष हो, लोकतांत्रिक गणराज्य हो, इसलिए इस प्रश्न का उत्तर क्या होगा? सी होगा। इसका सही जवाब जो होगा वो सी इस प्रश्न का राइट आंसर होगा। सी वाले एकदम सही हैं। जी हाँ, आपको शायद जानना होगा जो संविधान की प्रस्तावना में प्रभुत्व, हम भारत के लोग भारत को संपूर्ण प्रभुत्व समाजवादी पदनिरपेक्ष लोकतंत्रात्मक गणराज्य बनाने के लिए, पदनिरपेक्ष अखंडता शब्द पहले नहीं थे, समाजवादी पदनिरपेक्ष अखंडता शब्द नहीं थे, इन्हें इंदिरा गांधी द्वारा स्वर्ण सिंह समिति की सिफारिश पर 42वें संविधान संशोधन 1976 द्वारा जोड़ा गया था। ये बात याद रखिएगा, समाजवादी, पदनिरपेक्ष और अखंडता, ये तीन शब्द 42वें संविधान संशोधन द्वारा जोड़ा गया था, जिसे मिनी संविधान कहा जाता है। कौन? स्वर्ण सिंह समिति की सिफारिश पर। इस समय प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया इंदिरा गांधी थी। मैं आगे बढ़ रहा हूं अगले प्रश्न की तरफ, चाहे तो स्क्रीनशॉट कर सकते हैं। अगला प्रश्न आपके सामने है, संविधान की प्रस्तावना को कहा गया है? सभी साथी फटाफट कमेंट करें। जो लोग इस वीडियो को लाइव देख रहे हैं सभी साथी जवाब देंगे। आपकी मानिए परीक्षा हाल में है, सभी साथी फटाफट कमेंट करें। देखिए, ऑनलाइन से संबंधित अगर कोई जानकारी चाहिए, इस नंबर पर जानकारी ले सकते हैं। ये क्लास आपकी जौनपुर जनपद से संचालित की जाती है, जो पूरी तरह से निःशुल्क है। ठीक, ये क्लास जौनपुर जनपद से प्रतिदिन 9:30 बजे चलती है। आप जौनपुर जनपद में आकर जुड़ सकते हैं। क्लास नोट संबंधी जानकारी आपको यहां से मिल जाएगी। देखिए, यहां पे संविधान की प्रस्तावना में जो कहा गया है, सर्वसत्ताधारी, जिसे इसे क्या कहते हैं? सर्वसत्ताधारी संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न समाजवादी पदनिरपेक्ष लोकतंत्रात्मक, पदनिरपेक्ष धर्मनिरपेक्ष आगे चलकर पदनिरपेक्ष बन जाता है। समाजवादी सर्वसत्ताधारी को जगह क्या हो जाता है? समाजवादी पदनिरपेक्ष अखंडता। इसलिए इस प्रश्न का उत्तर जो होगा वह डी इसका राइट आंसर होगा। डी क्या होगा इसका सही जवाब होगा। ठीक, सर्वसत्ताधारी सावंटी से अंग्रेजी में कहते हैं, इसलिए इस प्रश्न का उत्तर क्या होगा? डी इसका राइट आंसर होगा। तो जितने लोगों ने डी बताया उनके जवाब सही है। स्क्रीनशॉट कर लीजिएगा, आज गलती हो जाए परीक्षा में गलती नहीं होनी चाहिए। बस हम आगे बढ़ रहे हैं अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न आपके सामने है, संविधान बनाते समय कौन सा आदर्श प्रस्तावना में शामिल नहीं किया गया था? अब मुझे ये देखना है कितने साथी ऐसे हैं जिस प्रश्न का जवाब दे सकते हैं, कितने ऐसे लोग हैं बताइए। सभी साथी जरा जल्दी से जवाब दीजिएगा, कितने ऐसे लोग हैं जो संविधान बनाते समय कौन कौन सा आदर्श प्रस्तावना में शामिल नहीं किया गया? फटाफट कमेंट करिएगा। जी हाँ, प्रत्येक रात 9:30 बजे निःशुल्क हम आपके बीच आते हैं, क्योंकि आपको सरकारी शिक्षक जो बनाना है, हमारा उद्देश्य
आपको सफल बनाना है और आपको देश आपको अपना बेहतर देना है। बस सफलता आपके कदमों में जरूर होगी। संविधान बनाते समय कौन सा आदर्श प्रस्तावना में शामिल नहीं किया गया था? देखिए, स्वतंत्रता सम्मिलित था, समानता, न्याय। लेकिन देखिए, समाजवादी, पंथ निरपेक्ष, लिख लीजिएगा, तीन शब्द नहीं थे, पंथ निरपेक्ष और अखंडता, लिख लीजिएगा, नहीं तो आप पछताएंगे। ये तीन शब्द नहीं थे, ये कब जोड़े गए? 42वें संविधान संशोधन 1976 में, किसके? स्वर्ण सिंह समिति के सिफारिश पर। ये तीन शब्द, समाजवादी, पंथ निरपेक्ष, अखंडता, तीन शब्द को बाद में जोड़ा गया। ये तीनों शब्द याद रखिएगा, ये 42वें संविधान संशोधन 1976 के द्वारा स्वर्ण सिंह समिति, स्वर्ण सिंह समिति के सिफारिश पर, इसी ने ही मूल कर्तव्य की भी सिफारिश की थी। जी हां मेरे प्यारे शिक्षक साथियों, इसी ने, स्वर्ण सिंह समिति ने ही मूल कर्तव्य की भी सिफारिश की थी। इन्होंने ही इस प्रस्तावना में तीन नए शब्दों को भी जोड़ा था, समाजवादी, पद निरपेक्ष और अखंडता। समझ में आ गया आप लोग को? क्लियर हुआ ना? भविष्य में यहां से गलत नहीं ना होगा, माने जो गलत है वही सही है। इस प्रश्न का विकल्प आपका सी होगा, जो गलत है वही सही है। हम आगे बढ़ रहे हैं अगले प्रश्न की तरफ। वारे मेरे प्यारे शिक्षक शिक्षिका साथियों, आप लोगों ने बहुत ही अच्छा जवाब दिया। भगवान करे आप लोग जब परीक्षा हाल में जाएं ऐसे ही सही करते रहें और एक नौकरी आप अपना लेकर आए। हम आगे बढ़ रहे हैं अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न आपके सामने डिस्प्ले पर दिख रहा है, लोकप्रिय प्रभुसत्ता क्या है? सभी साथी फटाफट कमेंट करें, ये लोकप्रिय प्रभुसत्ता क्या है? जो भी साथी वीडियो को लाइव देख रहे हैं वे सभी फटाफट कमेंट करेंगे और कमेंट करके जवाब देंगे। जो भी साथी वीडियो को देख रहे हैं जल्दी से कमेंट करें, सभी साथी फटाफट, जो भी साथी वीडियो को लाइव देख रहे हैं जल्दी से फटाफट कमेंट करें, लोकप्रिय प्रभुसत्ता क्या है? देखिए, लोकप्रिय जो प्रभुसत्ता होता है, जनता का प्रभुत्व नहीं होता, जनता के प्रतिनिधि का प्रभुत्व होता है। आपने सुना होगा, हम भारत के लोग, ठीक, पब्लिक ओपिनियन, प्रभुसत्ता को हम कह सकते हैं पब्लिक ओपिनियन। क्या पब्लिक ओपिनियन? सर्ती जो सार्थक होती है। इसलिए प्रश्न का उत्तर क्या होगा? 20 का राइट आंसर होगा। हम आगे बढ़ रहे हैं अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न आपके बीच है, भारत में प्रभु लोकतंत्र गणतंत्र कब बना? सबसे पहले आपको जवाब देना है, अगर आपने इस प्रश्न का जवाब दे लिया इसका मतलब आप शिक्षक, सरकारी शिक्षक बनने की राह आपकी आसान हो चुकी है, अध्यापक अध्यापिका बनने की राह आपकी आसान हो चुकी है। सभी साथी जल्दी से फटाफट कमेंट करें कि आप इस वीडियो को जुड़े रहना चाहेंगे, बताइए सभी लोग। संप्रभु लोकतांत्रिक गणराज्य बना, बताइए सभी लोग कमेंट करके बताइए। अगर ध्यान से देखा जाए इस प्रश्न के दो उत्तर आएंगे, पहला क्या होगा ध्यान से देखिएगा, यहां पर है 26 नवंबर 1949। आपने देखा होगा भारतीय संविधान को 26 नवंबर 1949 को पूर्ण संप्रभु लोकतांत्रिक गणराज्य बनाया। संविधान सभा की उद्देश्य का प्रस्तावना 26 नवंबर 1949 को अंगीकृत, आत्मनिर्मित, आत्मार्पित कर दिया गया था। कुछ अनुच्छेद लागू कर दिए गए थे, लेकिन संपूर्ण संविधान, जी हां मेरे प्यारे साथियों, संपूर्ण, हां संपूर्ण, संपूर्ण की अगर हम बात करें, संपूर्ण संविधान 26 जनवरी 1950 को लागू हुआ था। क्लियर, सभी को डाउट क्लियर हुआ? लेकिन यहां पर इस प्रश्न का उत्तर क्या होगा? डी प्रश्न का राइट आंसर होगा, डी प्रश्न का सही जवाब होगा। लेकिन वैसे 26 नवंबर 1949, ठीक। मैं आगे बढ़ रहा हूं अगले प्रश्न की तरफ, ऐसे ही आप लोग बने रहिए क्योंकि आपको एक सीट जो पक्की करनी है शिक्षक भर्ती परीक्षा में। मैं आगे बढ़ रहा हूं अगले प्रश्न की तरफ। भारतीय संविधान पूर्णतः किस तिथि को लागू हुआ? जल्दी से फटाफट कमेंट करिए, किस तिथि को पूर्णतः लागू हुआ? अब मुझे देखना है सबसे पहला उत्तर कौन बताएगा। सभी साथी फटाफट कमेंट करें, जो भी वीडियो को लाइव देख रहे हैं फटाफट कमेंट करिए। जी हां मेरे प्यारे अध्यापक अध्यापिका शिक्षक, सभी साथी फटाफट कमेंट करिए, पूर्णतः किस तिथि को लागू हुआ था संविधान, पूर्ण रूप से किस तिथि को लागू हुआ था? जी हां मेरे प्यारे साथियों,
26 जनवरी 1950 को। जी हाँ, एकदम सही जवाब आपने दिया है, 26 जनवरी 1950 को पूर्ण संविधान लागू हुआ था। क्योंकि आज जो हम लोग पढ़ रहे हैं ये हूबहू आपके शिक्षक भर्ती परीक्षा UPTET में पूछा जाएगा, इसलिए आप लोग इस तरह रेस में बने रहिएगा। सिलेक्शन के नजदीक पहुंचते हैं हम लोग, आगे बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। संविधान की उद्देशिका संशोधन कितनी बार किया गया है? एकदम इंपॉर्टेंट प्रश्न है ये प्रश्न, अगर आपने एक बार रख लिया तो आपकी परीक्षा में हूबहू यही प्रश्न आएगा, इस बात की 100% गारंटी है। सभी साथी फटाफट लाइक कर दीजिए मेरे प्यारे साथियों, शेयर कर दीजिए, ये आपकी क्लास है, हम भी आपके परिवार का हिस्सा हैं, मैं भी चाहता हूँ आप भी बेसिक परिवार में है, इसलिए मैं इतनी रात गए आपके लिए मेहनत करता हूँ, इस उम्मीद से इस मेहनत का प्रतिफल आप सरकारी शिक्षक के रूप में देंगे, एक मिठाई आप जरूर खिलाएंगे हमें। लेकिन ईश्वर से मैं प्रार्थना करूंगा, जितने लोगों ने वीडियो को लाइक और शेयर किया है वो जरूर सरकारी शिक्षक बने। संविधान के उद्देश्य का अगर प्रस्तावना की बात करें तो केवल एक बार किया गया है, केवल एक बार, कब? 42वां संविधान संशोधन 1976 में। इसमें तीन शब्द जोड़े गए थे, कौन कौन? तीन शब्द, पहला समाजवाद, दूसरा पंथनिरपेक्ष, तीसरा अखंडता। अगर आपको लग रहा है कि आप इस पढ़ने से सरकारी शिक्षक बन सकते हैं, ठीक है, तो आप इस टॉपिक को लिखते चलिएगा। पता है 42वें संविधान संशोधन को, इसको क्या कहते हैं पता है? मिनी कॉन्स्टिट्यूशन, इसे लघु संविधान कहते हैं, लघु संविधान। अगर आपके परीक्षा में आ जाए कि लघु संविधान किसे कहते हैं, तो 42वें संविधान संशोधन को हम लघु संविधान के नाम से भी जानते हैं, मिनी कॉन्स्टिट्यूशन के नाम से भी जानते हैं। मैं आगे बढ़ रहा हूं अगले प्रश्न के लिए, लेकिन आपसे निवेदन है कि कॉपी कलम पर लिखते जरूर चलिएगा, एक बेहतरीन नोट्स बनेगी, इससे बाहर आपको नहीं पढ़ना है, यहीं से आपकी परीक्षा में प्रश्न आ जाएगा। हम आगे बढ़ रहे हैं अगले प्रश्न की तरफ, स्क्रीनशॉट चाहे तो कर लें। हमारे संविधान की प्रस्तावना में किस चीज़ का उल्लेख नहीं है? सभी साथी फटाफट कमेंट करेंगे। यहाँ पे नहीं, आपने देखा होगा पिछले 2 सालों से नहीं वाले प्रश्न बहुत ही ज़्यादा ट्रेंडिंग में है, तो मैं आपको इतना अच्छे से तैयार करा दूंगा कि आपको यहाँ से आसानी हो जाएगी सिलेक्शन लेना। जल्दी से फटाफट कमेंट करिए और अपने जवाब दीजिए, हमारे संविधान की प्रस्तावना में क्या चीज़ का उल्लेख नहीं है? तीन चीज़ों का उल्लेख है और एक चीज़ का उल्लेख नहीं है, तो कमेंट करके जरूर बताइए, जल्दी जल्दी कमेंट करिए, बताइए सभी साथी फटाफट कमेंट करके। नहीं बताएंगे क्या? अरे मालिक कर दीजिए, बता दीजिए। देखिए यहां पर अगर इस प्रश्न की बात की, सोचिए कितने यूनिक प्रश्न हम आपके लिए लेकर आए हैं, सोचा था आपने कभी? देखिए, न्याय की बात है, भ्रातृत्व की बात है, प्रतिष्ठा क्षमता की, वयस्क मताधिकार की बात नहीं है, ये हमारे संविधान की प्रस्तावना में इसका जिक्र नहीं है, इसलिए इसका उत्तर क्या होगा? डी। इसका जिक्र अगर देखा जाए तो संविधान के अनुच्छेद 326 में है। कहां पर? 326 में। किसमें है? 326 में इसका जिक्र किया गया है मेरे प्यारे अध्यापक अध्यापिका साथी। कितने में? 326 में वयस्क मताधिकार पर लोकसभा और राज्य की विधानसभाओं का निर्वाचन होगा, ठीक। इसलिए इस प्रश्न का जो उपयुक्त विकल्प होगा वो क्या होगा? डी का राइट आंसर होगा, ठीक। इन तीनों का जिक्र है, इसका जिक्र नहीं है, और यहां पे पूछा है कौन सा गलत है। सोचिए ऐसे प्रश्न अगर परीक्षा में आएंगे कितने लोग गलतियां कर जाएंगे, लेकिन आज मेरी क्लास के बाद मुझे इस बात का भरोसा है आपसे गलतियां नहीं होंगी, क्योंकि आपको सिलेक्शन लेना है, आपको सरकारी नौकरी करना है, आप ही लनी दुर्गे के साथ निशुल्क क्लास में जुड़ चुके हैं, क्योंकि अब हमारा एक ही लक्ष्य है आपको आपके नौकरी तक पहुंचाना। हम आगे बढ़ रहे अगले प्रश्न की तरफ, वयस्क मताधिकार कहां है? 326 में है। अगला प्रश्न आपके सामने है, संविधान के निर्माताओं को मनोभाव और आदर्श प्रतिबिंब होते हैं। सभी साथी फटाफट कमेंट करिए, जो लोग वीडियो को लाइव देख रहे हैं फटाफट कमेंट जरूर करेंगे। जी हां मेरे प्यारे साथियों, आप सभी को कमेंट करके जवाब देना है, मूक बधिर मत बनिए, क्योंकि आपको परीक्षा हाल में जाना है, और जो विकल्प वहां रंगते वही विकल्प यहां पे बताइए, क्योंकि हम गलतियों से सीखते हैं, और मनुष्य जो होता है वो गलतियों का सागर होता है, लेकिन अब अगली बार गलती को नहीं दोहराना है। तो संविधान के निर्माताओं के मनोभाव आदर्श कहां दिखाई देते हैं? तो आप लोग प्रश्न की भाषा समझ गए होंगे कि सर यह कहां दिखता है, यह हमारे उद्देशिका में दिखता है। कहां पे? यह हमारे उद्देशिका में दिखता है,
ठीक है। देखिए बेरुबारी बनाम 1960 में प्रस्तावना संविधान निर्माताओं के आशय स्पष्ट करने वाली कुंजी है। यह कब बनाया गया था? यह बेरुबारी मामले में 1960 में सुप्रीम कोर्ट ने कहा था। ठीक है, बेरुबारी मामला पूछ सकता है ये कब कहा गया था? तो बेरुबारी मामले में किसने कहा था? सुप्रीम कोर्ट ने कहा था। ठीक है, हम आगे बढ़ रहे हैं अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न आपके सामने है, भारत के संविधान में संघी शब्द का प्रयोग कहां पे है? सभी साथी फटाफट कमेंट करें, यह पूरा वही सब प्रश्न है जो कि परीक्षा में हूबहू आने वाले हैं। भारत के संविधान में संघी शब्द का प्रयोग कहां पर हुआ है? सभी साथी फटाफट कमेंट करें। यह क्लास 9:30 बजे इलनी विद दुर्गेश पर लाइव, फेसबुक पेज इलनी विद दुर्गेश, यूट्यूब चैनल इलनी विद दुर्गेश पर लाइव चलती है, टेलीग्राम पे जुड़े आप लोग, जुड़ जाइए दुर्गेश सर सर्च करके इलनी विद दुर्गेश पर, इंस्टा ट्विटर यूट्यूब इलनी विद दुर्गेश है, आप लोग जुड़ जाइए इसमें सभी साथी। जरा बताइए, अन्य जानकारी के लिए आप 6306344367 पर व्हाट्सएप कर सकते हैं। ये जौनपुर जनपद से क्लासेस चलती हैं, पूरी तरह से फ्री क्लास है, मेरी क्लास यहाँ पे फ्री है, अन्य के लिए आप यहाँ पे जानकारी ले सकते हैं। देखिए संघी शब्द की अगर हम बात करें कि संघी शब्द कहाँ कहा गया है, किस जगह है, तो काफ़ी महत्वपूर्ण है। देखिए भारतीय संविधान में फेडरेशन संघ को, देखिए संघ इसे फेडरेशन कहते हैं, राज्यों का संघ कहा गया, इसके ये इसका जिक्र कहीं नहीं कहा गया, राज्यों का संघ कहा गया है। क्या कहा गया है? राज्यों का संघ कहा गया। कहां कहा गया है? अनुच्छेद एक में, लेकिन संघ नहीं कहा गया, इसलिए संविधान में कहीं नहीं, मतलब डी। मतलब इसका उत्तर क्या होगा? डी इस प्रश्न का राइट आंसर होगा। जी हाँ, आप लोगों ने एकदम सही जवाब दिया, कुछ लोगों ने, कुछ के जवाब गलत हो गए, लेकिन क्या आपको समझ में आ गया? अब आप भविष्य में तो गलती नहीं करेंगे यहां से, अब कभी गलती तो नहीं होगा ना, कि भारत के संविधान में संघी शब्द का प्रयोग, फेडरेशन शब्द का प्रयोग कहीं नहीं किया गया है, राज्यों के संघ यूनियन ऑफ स्टेट कहा गया है। क्या कहा गया है? ध्यान से देखिएगा, यूनियन ऑफ स्टेट्स कहा गया है, राज्यों का संघ कहा गया है, कहां? अनुच्छेद एक भाग एक में। हम आगे बढ़ रहे हैं अगले प्रश्न की तरफ, इसलिए इस प्रश्न का उत्तर डी होगा। क्लियर हुआ आप लोग का? डी इस प्रश्न का राइट आंसर होगा। स्क्रीनशॉट क्लिक कर लें। अगला है आपके सामने, भारत के संविधान में भारत को किस रूप में वर्णित किया गया है? सभी साथी फटाफट जवाब दें, जो लोग वीडियो को लाइव देख रहे हैं सभी साथी, भारत के संविधान में भारत को किस रूप में वर्णित किया गया है? मेरे प्यारे शिक्षक साथी जरा कमेंट करें यार, आप लोग 1000 से ऊपर संख्या पहुंचा सकते हैं, कुछ नहीं करना है, बस अपने फेसबुक पे शेयर कर देना है, व्हाट्सएप के ग्रुप पे डाल देना है, कर भला तो हो भला। मैंने आपके लिए किया, अब आपकी बारी, मैंने अपने हिस्से का काम कर दिया, अब आपकी बारी है। भारत के संविधान में भारत को किस रूप में वर्णित किया गया है? ज्यादातर लोग के जवाब सी आ रहे हैं, राज्यों का संघ। एकदम सही जवाब किस में? अनुच्छेद एक में। अनुच्छेद एक में कहा गया है भारत क्या है? राज्यों का संघ है। क्लियर हो रहा है ना? यूनियन ऑफ स्टेट है भारत, अर्थात इंडिया राज्यों का संघ होगा, इंडिया दैट इज भारत, एंड यूनियन ऑफ स्टेट भारत क्या होगा? राज्यों का संघ होगा। इसलिए इस प्रश्न का उत्तर क्या होगा? सी इसका राइट आंसर होगा। हम आगे बढ़ रहे हैं अगले प्रश्न की तरफ। ठीक, चलिए स्क्रीनशॉट प्रश्न का चाहे तो करते रहें। भारतीय संविधान के अनुच्छेद एक में घोषणा किया गया है इंडिया अर्थात भारत क्या है? संघीय राज्य है, राज्यों का संघ है, एकात्मक विशिष्टताओं वाला संघीय राज्य है। एकदम हलवा प्रश्न है, सभी को जवाब देना है, जितने लोग इस वीडियो को लाइव देख रहे हैं बताइए, सभी साथी फटाफट कमेंट करिए, बताइए इंडिया अर्थात भारत क्या है? अभी मैंने पढ़ाया ऊपर, अगर अभी गलतियां कर रहे हैं ना, मेरा पढ़ाना बेकार है। हम आपको सरकारी शिक्षक बनाने का सपना देख रहे हैं, हम अपना उद्देश्य बना के रखें आपका सिलेक्शन होना, राज्यों का संघ है। देखिए कितने प्रश्न मिले, अनुच्छेद एक में घोषणा की गई है इंडिया अर्थात भारत राज्यों का संघ होगा, जिसमें 28 राज्य होंगे। कितने? 28 राज्य और 8
संघ शासित क्षेत्र होंगे। ठीक, कितने? 28 राज्य और 8 संघ शासित क्षेत्र होंगे। भारत राज्यों का संघ है। हम आगे बढ़ रहे हैं अगले प्रश्न की तरफ, चाहे तो स्क्रीनशॉट इसकी क्लिक कर सकते हैं आप। कहेंगे सर 28 कैसे 29 था? अरे यार 29 माइनस 1 हुआ तो कितना हो गया, 28 राज्य हो गया ये। और इसमें क्या था, पहले ये कितने थे, 7 थे, 2 बढ़े, जम्मू कश्मीर बढ़ा और लद्दाख बढ़ा, फिर एक माइनस हो गया, दमन द्वीप में एक में हो गया, तो कितने हो गए, 8 हुए ना, तो ये 8 हुआ और ये 28 हुआ। क्लियर, क्लियर हो गया ना? चलिए कोई मत पूछिएगा सर 8 कैसे हो गया या 28 राज्य कैसे हो गए, क्योंकि अब जम्मू कश्मीर केंद्र शासित प्रदेश हो गया है। अगला, संविधान के अनुच्छेद 1 में भारत को क्या कहा गया है? फिर से वही चीज, सोचिए भारत का परिचय कितना बढ़िया कर रहा है। समझ में आया? देखिए 9 कुछ लोग कह रहे हैं, 7 प्लस 2 माइनस 1 8 हो गया है वर्तमान में। क्लियर, तो फटाफट कमेंट करिए जो लोग दे रहे हैं, जो लोग वीडियो को लाइव देख रहे हैं फटाफट कमेंट करिए, संविधान अनुच्छेद बात को क्या कहा गया है? भैया राज्यों का संघ, वही तो बार बार प्रश्न आपके सामने आ रहा है, सोचिए घुमा घुमा के वही प्रश्न आ रहा है। अगला है आपके सामने, किस अनुच्छेद में इंडिया को भारत कहा गया है? बताइए किस, अभी पूछा जाए हमारे देश का नाम क्या है, पता है भारत है, हमारे देश का नाम क्या है, भारत है। पहले क्या था, इंडिया था, इंडिया क्या है, इंडिया दैट इज भारत, इंडिया क्या है अब भारत, इंडिया ही क्या है अब भारत है, कहां कहा गया है? बताइए दमन, हाँ जी अनूप जी ने बताया दमन दीव दादानगर हवेली को अब एक बना दिया गया है, इसलिए 8 हो गए। बताइए, देखिए यहां पर ध्यान दीजिएगा, ये अनुच्छेद 1 है, क्वेश्चन रिपीट होते हैं लेकिन टाइटल अलग होती है, जिससे प्रश्न पूछने का तरीका आपको पता चल जाता है। अगला, शक्तियों का विभाजन और स्वतंत्र न्यायपालिका किसकी दो महत्वपूर्ण विशेषता है? फटाफट कमेंट करिए, शक्तियों का विभाजन स्वतंत्र न्यायपालिका किसकी दो महत्वपूर्ण विशेषता है? सभी साथी फटाफट कमेंट करें, चलिए बदल जाएगा क्वेश्चन, सभी साथी फटाफट कमेंट करें, जो लोग इस वीडियो को लाइव देख रहे हैं सभी साथी जरा फटाफट कमेंट करें, जो लोग इस वीडियो को लाइव देख रहे हैं जरूर कमेंट करें जरूर। मेरे प्यारे शिक्षक साथियों, मैं उम्मीद करता हूं आप लोग इस प्रश्न का जवाब जरूर देंगे। बताइए फटाफट कमेंट करके, सभी साथी फटाफट कमेंट करें यार, आपको नौकरी करनी है, आपको जवाब देना चाहिए गलत या सही, बाकी होना ना होना ऊपर वाले के हाथ में है, लेकिन अभी से कुछ ना करना ये गलत बात है। ठीक, चलिए आइए देखते हैं, यहां पे हो सकता है मैं ही आपकी कुछ मदद कर सकूं। ये होगा सरकार का संघीय स्वरूप है, क्या है, संघीय स्वरूप है, इसलिए इस प्रश्न का उत्तर क्या होगा, ये बी होगा। पता है संघ और राज्यों के बीच जो शक्तियों का विभाजन संघात्मक संविधान का एक मूल तत्व है। विभाजन एक संविधान द्वारा नहीं किया जाता, जो देश की सर्वोच्च विधि होती है उसके द्वारा होता है। सरकार की शक्तियों का विभाजन एक लिखित संविधान द्वारा होता है, जिसमें विभिन्न सरकारें एक दूसरे कार्य क्षेत्रों में हस्तक्षेप ना कर सकें। इसके लिए एक ऐसी संस्था की आवश्यकता होती है जो स्वतंत्र और निष्पक्ष होकर केंद्र तथा राज्य सरकारों के बीच को विवादों को निपटा सके निष्पक्ष होकर। इसलिए सरकार का संघीय स्वरूप क्या है, सरकार का संघीय स्वरूप, इसलिए इस प्रश्न का उत्तर जो होगा वो बी होगा। सोचिए कितने लोगों ने इस प्रश्न का उत्तर गलत बताया, तो याद रखिए यहां पर गलती हो जाए लेकिन यह गलती आप परीक्षा हाल में मत करिएगा, क्योंकि परीक्षा हाल में अगर ऐसी गलती हुई तो आप अपने पैर से अपने हाथ पर कुल्हाड़ी मारेंगे, अपने हाथ से अपने पैर पर कुल्हाड़ी मार लेंगे, इसलिए याद रखिएगा। मैं दोबारा रिपीट कर रहा हूं, संघ और राज्यों के बीच शक्तियों का विभाजन संघात्मक संविधान का मूल तत्व है। ठीक है, एक संविधान द्वारा किया जाता है, संविधान द्वारा जो देश की सर्वोच्च विधि होती है। सरकारी शक्तियों का विभाजन एक लिखित संविधान द्वारा होता है, जिसमें सभी को राज्य की केंद्र की सबकी अपनी मर्यादाएं होती हैं। ठीक है, अगला प्रश्न है, भारत में किस प्रकार का संघवाद देखा जाता है? सभी साथी फटाफट कमेंट करें, भारत में किस प्रकार का संघवाद देखा जाता है, फटाफट कमेंट करिए जो लोग लाइव देख रहे हैं, सभी साथी फटाफट कमेंट करें या लाइक करें का पैसा नहीं कटता, हजार बार कहना पड़ता है, जितने लोग लाइव रहते हैं उससे कम तो लाइक रहती है मेरी, मुझे तो डर लगता है कि यार ऐसा क्या हो गया।
भारत में किस प्रकार का संघवाद देखा जाता है? पता है इस प्रश्न का उत्तर? संघ बनाकर राज्यों का गठन करना। क्या करके? संघ बनाकर राज्यों का गठन करना। यह कहां दिया गया पता है? अनुच्छेद एक में, खंड क में इसके बारे में जिक्र किया गया है। समझ में आया आप लोग को? नहीं आया अभी भी? भारतीय संविधान की संघीय प्रणाली का प्रावधान करता, क्योंकि केंद्र और राज्यों के मध्य शक्तियों का स्पष्ट विभाजन है। यह पूर्ण संघ नहीं है, क्योंकि कई प्रावधान एक शक्तिशाली केंद्र की रचना करते हैं। यहां पे दोनों है, राज्य और संघ की दोनों की शक्तियों का बंटवारा है। इसलिए इस प्रश्न का उत्तर क्या होगा? इस प्रश्न का जो सही उत्तर होगा वो 20 का राइट आंसर होगा। मेरे प्यारे साथियों, हम आगे बढ़ रहे हैं अगले प्रश्न की तरफ। भारत में संघ राज्यों क्षेत्र की सीमा कितनी है? देखिए, इस प्रश्न का जवाब आपको देना होगा। यह प्रश्न थोड़ा सा पुराना है, थोड़ा सा पुराना है, इसलिए इस प्रश्न का उत्तर यहां पर आप लोग 8 कर लीजिएगा। टाइप होते समय थोड़ी सी गलती हो गई, यहां 6 की जगह आप 8 कर लीजिए, यह 8 है। अब आपको बताना है, ध्यान से देखिएगा। पहले तो 7 थे, 2 बढ़े 9 हुए, -1 हुआ। 9 में -1 कौन हुआ? दादर नगर हवेली और दमन द्वीप को 26 जनवरी 2020 को 1 बना दिया गया। अब इनकी संख्या 8 हो गई। कितनी हो गई? 8 हो गई। अब 9 नहीं है, अब 8 हो गई। ठीक है, अब कितनी हो गई? 8 हो गई। और 28 राज्य हो गए। एकदम रट्टा माली, यूनिक, नया नया प्रश्न इसलिए आएगा। नया किस लिए है? ये जो परिवर्तन हुआ, ये वाला, ये हो गया 26 जनवरी 2020 को हुआ है, इसलिए परीक्षा में पूछ सकता है। और ये 28 राज्य जो हुआ है, ये 2019 में हुआ है 5 अगस्त को। मैं आगे बढ़ रहा हूँ अगले प्रश्न की तरफ। भारत के संघ में कितने राज्य हैं? सभी साथी फटाफट कमेंट करें, भारत के संघ में कितने राज्य हैं? सभी साथी फटाफट कमेंट करें जो लोग वीडियो को लाइव देख रहे हैं, जल्दी से फटाफट कमेंट करके बताइए भारत में संघ में कितने राज्य हैं। इस बात की गारंटी है कि आप यहां से पढ़ने के बाद जब भी शिक्षक भर्ती या यूपीटेट का परीक्षा देंगे, आप देखेंगे हूबहू प्रश्न यहां से आया होगा, मेरी व्याख्या हो या यहां प्रश्न हो। 28 राज्य हैं। क्यों? क्योंकि 29 थे, एक निकल गया, आप कितने हुए? 28। अब जम्मू कश्मीर जो है, जो जम्मू कश्मीर है वो राज्य नहीं रहा, इसलिए इस प्रश्न का उत्तर क्या होगा? इसका सही जवाब। ये यूनिक प्रश्न है, लोग गलतियां करेंगे, लोग कहेंगे सर 29 है। नहीं, 29 नहीं है, अब वर्तमान में 28 है, इसलिए इस प्रश्न का उत्तर ए का राइट आंसर होगा, इस प्रश्न का सही जवाब होगा। क्लियर? कोई डाउट किसी को? नहीं है ना? ये नए नए प्रश्न है आपके लिए, जो मैं डेली आपके लिए 9:30 बजे लेकर आता हूं। अलार्म लगा लीजिए अपने मोबाइल पे। अगला प्रश्न है, अच्छा देखिए, ध्यान दीजिएगा। लक्कादीव, मिनीकोय, अमीनी दीवी नाम बदलकर लक्षद्वीप किस वर्ष किया गया? सभी साथी फटाफट कमेंट करें, ये थोड़ा सा कठिन प्रश्न होगा, ये थोड़ा सा कठिन प्रश्न होगा, लेकिन आपसे निवेदन है कि जवाब जरूर दीजिएगा। लक्कादीव, मिनीकोय, अमीन दीवी, इसका नाम बदलकर लक्षद्वीप किया गया, जिसकी राजधानी कवरत्ती है। यह 1973 में किया गया। कब किया गया? 1973 में किया गया। इसलिए यहाँ पर थोड़ा सा कठिन प्रश्न था, इसलिए मैं नहीं चाहूँगा कि आप इसमें उलझे रहें, इसलिए मैंने यहाँ पे आपको बता दिया। हम आगे बढ़ रहे हैं। अगला है, 1956 में राज्यों का पुनर्गठन करने से कितने संघ और राज्य बने थे? जरा जो भी साथी लाइव हैं वे कमेंट जरूर करेंगे। जी हाँ मेरे साथियों, मेरे प्यारे शिक्षक साथी मित्रों, कितने थे उस समय? ध्यान से देखिएगा, 1956 के समय कितने राज्य थे? फटाफट कमेंट करके बताइए। ठीक है, रिप्लाई क्लास में देने में थोड़ी सी दिक्कत होती है। देखिए, यहां पर 14 राज्य और 6 केंद्र शासित क्षेत्र थे तब। याद रखिएगा, 14 राज्य अगर आपको लिखना हो तो लिख लीजिएगा। उस समय कौन कौन से राज्य थे? देखिए, एक जम्मू कश्मीर था, पश्चिम बंगाल, उत्तर प्रदेश, राजस्थान, पंजाब, ओडिशा, आंध्र प्रदेश, असम, बिहार, मुंबई, केरल, मध्य प्रदेश, मद्रास और मैसूर, ये 14 राज्य थे। 6 केंद्र शासित प्रदेश थे, जिसमें दिल्ली, हिमाचल प्रदेश, मणिपुर, त्रिपुरा, अंडमान निकोबार द्वीप समूह, लक्कादीव, ये सभी केंद्र शासित प्रदेश थे। कुल मिलाकर 14 राज्य और 6 केंद्र शासित प्रदेश थे, इसलिए इस प्रश्न का उत्तर जो होगा वो सी होगा। आज ये बदल चुका है, आज यहाँ पे ये 28 है और ये आज यहाँ पर 8 है। आज यहाँ पर 8 है, समझ में आया आप लोग को? ये कैसे 8 है?
29 माइनस एक है और ये 8 कैसे है, आइए इसके बारे में देखते हैं ये कैसे है। ये 7 प्लस 2 माइनस 1 है। क्लियर हो रहा है सबका? जी हाँ, ऐसे लगे रहिए। अगला प्रश्न आपके डिस्प्ले पे दिख रहा है, निम्नलिखित कौन सा राजनीतिक अधिकार नहीं है? यहाँ पे 3 है और 1 नहीं है। सभी साथी फटाफट कमेंट करेंगे। जी हाँ मेरे प्यारे साथियों, देखिए ऑनलाइन क्लास नोट्स संबंधित अगर जानकारी चाहिए तो ई लर्निंग विद दुर्गेश की ऑफिस का नंबर, यहाँ से आप जानकारी ले सकते हैं। ये सभी क्लासेज जौनपुर जनपद से संपादित की जाती हैं और हमारी क्लासेज पूरी तरह से फ्री होती हैं और जो प्रतिदिन रात 9:30 बजे ई लर्निंग विद दुर्गेश पर लाइव आती हैं। सभी साथी 9:30 बजे अलार्म लगा लें मोबाइल पर लाइव आने के लिए, और बाकी क्लास टेट सी टेट सुपर टेट KBS के लिए आप टेलीग्राम पे जरूर जुड़िएगा। दुर्गेश सर सर्च करके ई लर्निंग विद दुर्गेश, यह वीडियो हमारे फेसबुक पेज ई लर्निंग विद दुर्गेश, यूट्यूब चैनल ई लर्निंग विद दुर्गेश पाजी गेस्ट फैकल्टी के रूप में मैं निःशुल्क आपको राष्ट्रहित में देशहित में शिक्षा देने के लिए लाइव आता हूँ। मेरा उद्देश्य आपको भी सरकारी शिक्षक बनाना है। कौन सा राजनीतिक अधिकार नहीं है जल्दी से कमेंट करके बताइए। ध्यान से देखिएगा, मत देने का अधिकार राजनीतिक अधिकार है, चुनाव लड़ने का अधिकार आपका, सरकार के आदिवासी निकाय शिकायत करने का अधिकार ये आपका अधिकार है, लेकिन जीवन का अधिकार ये कौन सा अधिकार है? यह एक मूल अधिकार है। कौन सा है? ये एक प्रकार का मूल अधिकार है। कौन सा मूल अधिकार है? जो अनुच्छेद 21 के अंतर्गत आता है। जी हाँ, ये अनुच्छेद 21 के अंतर्गत आता है, जीवन जीने का अधिकार। ये मूल अधिकार भाग 3 में है। अगर भाग पूछता तो ये भाग 3 में अनुच्छेद 21 में मूल अधिकार है, और ये है जो गलत है वही सही होगा, क्योंकि इस प्रश्न का उत्तर जो होगा बी होगा। जी हाँ मेरे प्यारे साथियों, समझ में आया आप लोग को? जी हाँ समझ में आ गया, क्लियर हुआ? देखिए जितने लोगों ने वीडियो को लाइक किया है ना, पता है उससे क्या होता है, बाद में कोई वीडियो देखे उसे कितना अच्छा लगेगा, तो वो अच्छे लोग हैं। अनलाइक करने वाले जिंदगी भर ऐसे करते रह जाएंगे, उनकी सोच ही ऐसी होती है। वो लोग ऐसे ही परीक्षा हाल में जाएंगे ना, गोला वैसे गलत रंगेंगे, गलत करके चले आएंगे। लेकिन आप लोग के साथ ऐसा नहीं होगा, आप लोग अच्छे लोग हैं। चलिए अगला प्रश्न है, भारतीय संविधान कब लागू हुआ? जल्दी कमेंट करिए, भारतीय संविधान कब लागू हुआ? देखते हैं किसका उत्तर सही आता है, क्योंकि यहां पे प्रायः लोग गलती करते हैं। भारतीय संविधान कब लागू हुआ? अगर लागू होने की बात करेगा तो देखिए, भारतीय संविधान यहां पर 26 नवंबर 1949 को हस्ताक्षर हो गया था, अंगीकृत अधिमेपित हो गया था, लेकिन नागरिकता निर्वाचन और अंतरिम संसद से उपबंध लागू कर दिए, लेकिन अंतिम रूप से जो संविधान था अंतिम रूप से वो 26 जनवरी 1950 को हुआ। कब हुआ? 26 जनवरी 1950 को। ठीक, ये पूर्णतः जो लागू हुआ था वो 26 जनवरी 1950 को, भारतीय संविधान लागू हुआ था, खाली इतना कहा है तो 26 जनवरी 1950 तक। क्लियर? कोई दिक्कत नहीं है ना? क्या क्या मैं आगे बढ़ रहा हूं। भारतीय संविधान अपनाया गया था, कब अपनाया गया था? सभी साथी फटाफट कमेंट करें, भारतीय संविधान कब अपनाया गया था बताइए सभी लोग फटाफट कमेंट करके। भारतीय संविधान कब अपनाया गया था? प्रश्न बेशक रिपीट हो तो उनकी भाषा अलग होती है, कोई बार बार कह रहा है रिपीट हो रहा है क्वेश्चन, भाषा अलग है, गजब गजब के लोग हैं, रिपीट हो रही भाषा तो बदल रहा है, बताइए सभी लोग फटाफट कमेंट करके। देखिए यहां पर अगर यहां पे अपनाने की बात की जाए तो ये होगा और ये जो है लागू। ठीक, क्लियर हो गया? कोई दिक्कत किसी को? दोनों में डिफरेंस समझ में आ गया, लागू करना और अपनाना, ये अपनाया गया था। क्लियर हुआ? लागू कब किया गया? 26 जनवरी 1950। इसलिए प्रश्न का उत्तर क्या लगाएंगे आप सभी लोग? सी लगाएंगे। प्रश्न का उत्तर क्या होगा? सी होगा। मैंने जितने लोगों ने सी बताया है उनके जवाब पूरी तरह से सी है। क्लियर? मैं आगे बढ़ रहा हूं अगले प्रश्न की तरफ। यहां पे नाम सुनने के लिए है, सिलेक्शन लेने के लिए। जितने लोग शिक्षक भर्ती में सिलेक्शन चाहते हैं वही लोग पढ़ें, नाम लेने वाले ना आप आगे बढ़ें, क्योंकि ये क्लास आपको सिलेक्शन दिलाने के लिए है, नाम लेने के लिए नहीं। हम आगे बढ़े अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न है,
हमारे संविधान के इतिहास में 26 नवंबर 1949 एक महत्वपूर्ण दिन है, क्योंकि क्योंकि यहां से संविधान सभा से एक प्रश्न आपके फिक्स आते हैं, चाहे आप 2019 हो चाहे 2017 हो, दोनों भर्ती परीक्षाओं में, सॉरी 2018 18-19 के दोनों के परीक्षाओं में यहां से एक एक प्रश्न आए हैं। इसलिए मैं इस प्रश्न को, इस टॉपिक को एकदम अच्छे तरीके से कराना चाह रहा हूं। मैं चाहता हूं आप सेलेक्ट होकर जाए, मैं चाहता हूं आपकी नौकरी जरूर लगे और प्रश्न एक भी गलत ना हो। ठीक, देखिए 26 नवंबर 1949 अगर आपने प्रस्तावना पढ़ा होगा, हम भारत के लोग, इस दिन संविधान अंगीकार किया गया था। क्या किया था? अंगीकार किया गया था। इसलिए इस प्रश्न का जवाब 20 का राइट आंसर होगा, 20 प्रश्न का सही जवाब होगा। जी हाँ, इस देश के भाविक अध्यापक की अध्यापिकाओं, ऐसे लगे रहिएगा, यकीनन आपके कदमों में आपकी सरकारी नौकरी होगी, बस इसी तरह मेहनत करते रहिएगा। हम आगे बढ़ रहे हैं अगले प्रश्न की तरफ। बहुत बहुत धन्यवाद आप सभी का, मैं अच्छा नहीं पढ़ाता हूँ, आप लोग अच्छा पढ़ते हैं, आप काबिले तारीफ है। ईश्वर करे आप लोग अपने माता पिता का आशीर्वाद के साथ लगातार आगे बढ़ते रहें। अगला प्रश्न है आपके सामने, संविधान का प्रारूपण कब हुआ? अब कोई कहेगा सर रिपीट प्रश्न है, लेकिन आप देख रहे हैं यहां पर भाषा बदल गया। परीक्षा हाल में अगर भाषा बदल जाएगी तो आपसे गलती हो सकती है, बाय मिस्टेक हो सकता है, लेकिन मैं नहीं चाहता ऐसी मिस्टेक आपकी परीक्षा हाल में हो। ठीक है, सभी साथी फटाफट कमेंट करें, सभी साथी फटाफट कमेंट करें। प्रारूपण, संविधान का प्रारूपण हुआ, पूरा हुआ था। सभी साथी फटाफट कमेंट करें। जी हां मेरे प्यारे, मेरे देश के प्यारे शिक्षक शिक्षिकाओं, ऐसे ही जवाब दीजिएगा, संविधान का प्रारूपण हुआ था। देखिए प्रश्न वही है, केवल भाषा बदल गया है, 26 नवंबर 1949 को, और यह लागू हुआ था, ये लागू होने की तिथि है। इसलिए प्रश्न का उत्तर क्या होगा? सी इसका राइट आंसर होगा। समग्र रूप से भारतीय संविधान लागू हुआ था, समग्र रूप से हुआ था, फटाफट कमेंट करें। समग्र रूप से कब लागू हुआ था? समग्र रूप से कब लागू हुआ था? अरे भैया 26 जनवरी 1950, बस दैट्स क्लियर। मैं आगे बढ़ रहा हूं अगले प्रश्न की तरफ। अगला है, भारतीय संविधान सभा का संवैधानिक सलाहकार कौन था? एक यूनिक प्रश्न है जो बहुत बार पूछता है। सभी साथी फटाफट कमेंट करें, जो लोग इस वीडियो को लाइव देख रहे हैं सभी साथी फटाफट कमेंट करें। कितने लोग 9:30 बजे लाइव आ जाएंगे? कितने लोग प्रतिदिन रात 9:30 बजे लाइव रहेंगे? लिंक टेलीग्राम पे मिलेगी, दुर्गेश सर सर्च करके, इलर्निंग विद दुर्गेश, वो बेल आइकन दबाना, सब्सक्राइब करना आपका काम है, इसे मुझे नहीं आए। बस आप लोग शेयर करते रहिएगा, लोगों को पहुंचाते रहिए, मत सब्सक्राइब करिए लेकिन लोगों को पहुंचाते रहिए, भला करते रहिए, कर भला तो हो भला। पता है ये आप भला का काम करते हैं, ईश्वर आपका साथ जरूर देता है। देखिए इस प्रश्न का उत्तर क्या होगा? सर बी एन राव होंगे। क्या होंगे? सर बी एन राव होंगे। सर बी एन राव जो थे, ये भारतीय संविधान सभा के जो 9 दिसंबर की इसकी बैठक हुई थी, उसके बाद 11 दिसंबर हुई थी, तो सर बी एन राव को संवैधानिक सलाहकार के रूप में नियुक्त किया गया था, संवैधानिक सलाहकार के रूप में। इसलिए इस प्रश्न का उत्तर सी होगा। ये अध्यक्ष थे, ये क्या थे? राजेंद्र प्रसाद अध्यक्ष थे। ठीक है, ये प्रारूप समिति के सदस्य थे, ये प्रारूप समिति के अध्यक्ष थे। ठीक, हम आगे बढ़ रहे हैं अगले प्रश्न की तरफ। ठीक, आगे बढ़ रहे हैं अगले प्रश्न की तरफ। भारतीय संविधान की रचना के समय संविधान सभा का संवैधानिक सलाहकार कौन था? जवाब दीजिएगा। सुजीत गुप्ता जी, बहुत बहुत धन्यवाद आपका। चलिए, भारतीय संविधान की रचना के समय संविधान सभा का संवैधानिक सलाहकार कौन था? सभी साथी फटाफट कमेंट करें, जो लोग इस वीडियो को लाइव देख रहे हैं जल्दी से फटाफट कमेंट करें आप लोग। भारतीय संविधान की रचना के समय संविधान सभा का संवैधानिक सलाहकार कौन था? सभी साथी फटाफट कमेंट करें, जो लोग इस वीडियो को लाइव देख रहे हैं सभी साथी फटाफट कमेंट करें। अभी मैंने ऊपर बताया है, सभी साथी फटाफट कमेंट करें। बताइए, बताइए सभी फटाफट कमेंट करें। देखिए इस प्रश्न का अगर आपको जवाब देना है तो मैंने ऊपर बता दिया था, तो गलती होनी ही नहीं चाहिए थी। बी एन राव इसका राइट आंसर है। अगला प्रश्न आपके सामने है,
सरकार की निम्न प्रणालियों में से किसने में द्विसदन पद्धति एक अनिवार्य लक्षण है। थोड़ा सा कठिन प्रश्न है, मैं यहाँ पे मैं ज्यादा समय नहीं लूंगा, इस प्रश्न को मैं ही बताता चल रहा हूं। ठीक है, इसका उत्तर होगा संघीय प्रणाली। क्या होगा? संघीय प्रणाली। मैं यहाँ पे आपका समय नहीं लूंगा क्योंकि थोड़े से कड़े प्रश्न है, तो यहाँ पर उत्तर होगा संघीय प्रणाली। सरकार की निम्न प्रणालियों में से किसी में द्विसदन पद्धति एक अनिवार्य लक्षण है, तो संघीय प्रणाली। इसमें केंद्रीय विधायिका के दो सदन होती है, उच्च सदन और निम्न सदन। कौन कौन सदन होती है ध्यान दीजिएगा, यहां पर दो सदन होती है, एक होती है उच्च सदन, दूसरा होता है निम्न सदन। उच्च सदन किसे कहते हैं, निम्न सदन किसे कहते हैं, कमेंट करके जरूर बताइएगा। उच्च सदन किसे कहते हैं, निम्न सदन किसे कहते हैं, कमेंट करके जरूर जवाब दीजिएगा। क्लियर? जरूर जवाब दीजिएगा, किसे उच्च सदन कहते हैं, किसे निम्न सदन कहते हैं, आपको जवाब जरूर देना है। अगला प्रश्न है आपका, लोकतांत्रिक केंद्रीकरण किसकी विशेषता है। सभी साथी फटाफट कमेंट करें, थोड़ा सा प्रश्न टफ भी होना चाहिए और थोड़ा सा कठिन भी, थोड़ा सरल भी, क्योंकि हमें हर प्रकार के प्रश्न पढ़ना है ना। सभी साथी फटाफट कमेंट करिए, जवाब दीजिए यार, ऐसे सरकारी नौकरी नहीं मिलनी है, एक्टिव होइए, आप मेहनती बच्चे हैं। देखिए, लोकतांत्रिक केंद्रीकरण में किसकी महत्वपूर्ण विशेषता होती है, इस प्रश्न को जानने के लिए यह है समाजवादी राज्य। यह पार्टी की बात नहीं हो रही है, समाजवादी राज्य की बात हो रही है, यह वास्तविक लोकतंत्र की स्थापना करता है, यह सर्वहार अधिनायक तत्व के नाम है ये, और यह सभी की समानता की बात करता है। इसलिए इस प्रश्न का उत्तर शीर्ष का राइट आंसर होगा। हम आगे बढ़ रहे हैं अगले प्रश्न की तरफ, फटाफट शेयर कर दीजिए, 1000 के ऊपर संख्या हो जाएगी, बहुत ही अच्छा चल रहा है। भारत क्या है? एक एक तंत्र है, राजतंत्र है, लोकतंत्र है, कुलीन तंत्र है। सभी साथी फटाफट कमेंट करेंगे, और एकदम आसान प्रश्न है, एकदम हलुआ प्रश्न है, ये बच्चों वाले प्रश्न है, लेकिन आपके सिलेबस में है, आपके पाठ्यक्रम में है, तो आपको जवाब जरूर देना होगा। सभी साथियों से मेरा निवेदन है कि प्रश्न का जवाब जरूर दीजिएगा, गलत हो या सही आप जवाब जरूर बताइएगा, बताइए फटाफट कमेंट करके इसका उत्तर क्या होगा। देखिए, लोकतांत्रिक देश है भारत, क्या है, एक लोकतांत्रिक देश है, ऐसे लगे रहिए। इस देश के एक बेहतर अध्यापक अध्यापिका। ठीक, हम आगे बढ़ रहे अगले प्रश्न की तरफ, कौन सा संशोधन को मिनी संविधान कहते हैं, ये मैंने ऊपर पढ़ाया था, ऊपर मैंने समझाया था। अगर आप लोग इस वीडियो से जुड़े होंगे, इसको प्रारंभ से मेरी क्लास देख रहे होंगे, यकीनन आप इस प्रश्न का जवाब जरूर देंगे। ये क्लास 9:30 बजे चलती है, क्या आप लोग कल से इस टाइम लाइव रहेंगे? अगर हाँ तो आपका स्वागत है डेली लाइव क्लास में 9:30 बजे, चाहे फेसबुक पेज हो इलेनी विद दुर्गेश, यूट्यूब चैनल हो इलेनी विद दुर्गेश, मैं आपको निःशुल्क पढ़ाना रहूंगा। ठीक, देखिए 9:30 बजे 42वें संविधान संशोधन 1976 को मिनी कॉन्स्टिट्यूशन कहा जाता है, मिनी संविधान कहा जाता है। इसलिए इस प्रश्न का उत्तर क्या होगा, सी इस प्रश्न का राइट आंसर होगा, सी इस प्रश्न का सही जवाब होगा। ठीक है, हम आगे बढ़ रहे हैं अगले पर, अभी आगे चौल इसके बारे में पढ़ेंगे, 7वां संविधान संशोधन 2400, इन सभी के बारे में पढ़ेंगे, लेकिन हमें भी वो पढ़ना है जिससे आप केवल सरकारी शिक्षक बन सके, जिससे आप यूपीटीटी परीक्षा उत्तीर्ण कर सके, जिससे आप अपना बेहतर दे सके, पहले हमें उन टॉपिकों को टारगेट करना है। अगला है, एकल नागरिकता कहां से ली गई है। भारत में एकल नागरिकता है, आपको याद रखिएगा, भारत में एकल नागरिकता है, ये कहां से लिया गया है। सभी साथी फटाफट कमेंट करें और जवाब दें, कहां से लिया गया है। जी हां मेरे प्यारे साथियों, सभी लोग फटाफट कमेंट करके बताएं, इस देश के, इस भारत के वो महत्वपूर्ण हीरे हैं, बताइए। इस बार आपको फोड़ना है और आपको शिक्षक बनना है, इस बार आपको क्या करना है, परीक्षा फोड़ना है और शिक्षक बनना है। जी हां, इंग्लैंड इज ए राइट आंसर, एकल नागरिकता, हम केवल क्या है, भारतीय हैं, चाहे हमारी वोटर आईडी हो, चाहे आपका आधार कार्ड हो, हम क्या है, केवल भारतीय, आई एम इंडियन,
इसलिए इस प्रश्न का उत्तर होगा इंग्लैंड। हमारे यहाँ एक ही नागरिकता होती है। क्या ऐसा भी है कि यूपी की नागरिकता अलग हो और इंडिया की नागरिकता अलग? ऐसा है नहीं है, क्योंकि हम भारतीय हैं। आई एम इंडियन, हमारी एक ही नागरिकता है भारतीय। अगले प्रश्न की तरफ बढ़ रहे हैं। अगला प्रश्न आपके बीच आ गया है, दोहरी नागरिकता किसकी विशेषता है? सभी साथी फटाफट कमेंट करें, दोहरी नागरिकता कहां की है? सभी साथी फटाफट कमेंट करें, सभी लोग जवाब दें, फटाफट कमेंट करें। जो लोग वीडियो को लाइव देख रहे फटाफट कमेंट करें। मेरा उद्देश्य आपको सरकारी नौकरी दिलाना है, और आपका उद्देश्य आपको अपना बेस्ट देना है। एकल नागरिकता हमने बात कर ली कि एकल नागरिकता हमारे यहां है, जैसे उत्तर प्रदेश का अलग हो, भारत के अलग हो, राजस्थान के अलग हो, मध्य प्रदेश, जी नहीं, एक का है भारतीय। लेकिन दोहरी नागरिकता कहां की है बताइए? दोहरी नागरिकता कहां की है? यह संघीय सरकार में होती है। अमेरिका की संघीय सरकार कहां पे? यूएसए के संघीय सरकार में ऐसी व्यवस्था है। वहां पे राज्य का अलग होता है, देश का अलग होता है। इसलिए इस प्रश्न का उत्तर जो होगा वो बी होगा। संघीय सरकार जो होती है, जैसे अमेरिका है, वहां पे दोहरी नागरिकता की व्यवस्था की गई है। अभी हाल ही में अमेरिका का चुनाव हुआ था, कुछ दिन पहले, आपने देखा होगा। इसलिए यह प्रश्न मैंने आपके लिए ले आया कि अगर हो सके इस मेरे प्रश्न की वजह से आपकी परीक्षा में आ जाए, क्योंकि अभी तो हाल ही में हुआ ना अमेरिका का चुनाव, 46वें राष्ट्रपति बने हैं, बताइए कौन बना है। संविधान कौन सा भाग नागरिकता का प्रावधान करता है? सभी लोग बताइए, सभी साथी बताइए। भाग तीन यहां पर है, मूल अधिकार। भाग चार नीति सिद्धांत, संघ की कार्यपालिका, भाग दो नागरिकता। क्लियर? एकदम कितना हलवा प्रश्न है बताइए। नागरिकता कहां है आप बताइए? सभी साथी फटाफट कमेंट करें, जवाब दीजिए फटाफट कमेंट करके। जो लोग वीडियो को लाइक कर रहे फटाफट कमेंट करके। अब क्या होगा, ये पार्ट टू में अनुच्छेद 5 से 11 समझ में आया? या अनुच्छेद भी पूछ सकता है, तो 5 से 11 तक है। किसी कोई दिक्कत, कोई समस्या हो तो कमेंट करके पूछ ले। कोई दिक्कत नहीं आ रही है ना यार? एक बार की और शेयर कर दीजिए बस, लास्ट बार, सभी ग्रुप में एक अच्छे ईमानदार और प्रतिभावान शिक्षक और शिक्षिका होने के नाते एक निवेदन है, अपने फेसबुक पर और अपने व्हाट्सएप पर स्टेटस पर डाल दीजिएगा। धन्यवाद आपका। आगे बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। अगला है, भारतीय संविधान में भारतीय महासंघ की योजना किसके संविधान से ली है? महासंघ की योजना जो है वो कहां से ली है बताइए? कहां से ली है? बताइए कमेंट करके। ये कनाडा से ली गई है। कहां से? कनाडा से ली गई है। केंद्र के साथ संघात्मक स्वरूप को अपनाया गया है, भारत में संघीय व्यवस्था को अपनाया गया है, लेकिन अमेरिका संविधान की भारतीय दोहरी नागरिकता का प्रावधान नहीं है। हमारा दोहरी नागरिकता नहीं है, संघीय व्यवस्था है लेकिन दोहरी नागरिकता नहीं है, ठीक है। विधि का शासन की संकल्पना कहां के संवैधानिक प्रणाली की विशेष विशेषता है बताइए? विधि का शासन। सभी साथी फटाफट कमेंट करें, बताएं विधि का शासन कहां से लिया गया है? बताइए कमेंट करके। जो लोग इस वीडियो को लाइव देख रहे हैं जरा फटाफट कमेंट करें, जो लोग इस वीडियो को लाइव देख रहे हैं जल्दी से कमेंट करके जवाब दें। लास्ट में आपसे एक प्रश्न पूछूंगा, अरे कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट भी लिखवाऊंगा, लास्ट में भी नहीं, अंत में जब क्लास खत्म होने वाला होगा तब बताइए क्या होगा। देखिए विधि का शासन वो ब्रिटेन से लिया गया। कहां से लिया गया है? ब्रिटेन की देन है। विधि की सर्वोच्चता इंग्लैंड की संस्था से लिया गया है, ब्रिटेन से लिया गया है। शासन का सीधा अर्थ इंग्लैंड की विधि का शासन, न किसी निरंकुश इच्छा का।
कोई व्यक्ति चाहे कितने भी ऊंचे पदों पर पदासीन क्यों ना हो, वो विधि के नियंत्रण में मुक्त नहीं है। सभी भारतीय संविधान के अधीन आते हैं। विधि की दृष्टि से सभी नागरिक क्या है? समान है। संविधान के दृष्टिकोण से सभी नागरिक समान है। इसलिए इस प्रश्न का उत्तर क्या होगा? इस प्रश्न का राइट आंसर ब्रिटेन या इंग्लैंड। हम आगे बढ़ रहे हैं अगले प्रश्न की तरफ। तैयार है ना आप लोग? क्या आप लोग नहीं चाहते ये क्लास 1000 से ऊपर लोग के साथ शेयर हो? क्या आप नहीं चाहते या आप जिस अध्यापक से पढ़ रहे हैं उस अध्यापक से और लोग भी पढ़ें? क्या आप इस क्लास से संतुष्ट नहीं रहते? अगर हैं इतना काम जरूर करिएगा। भारत के संविधान का निर्माण निर्माता किसे माना जाता है? भारतीय संविधान का निर्माता किसे माना जाता है? सभी साथी कमेंट करें। भारत के संविधान का निर्माता किसे माना जाता है? सभी साथी फटाफट कमेंट करें। जो लोग वीडियो को लाइव देख रहे हैं सभी साथी फटाफट कमेंट जरूर करें। संविधान का निर्माता किसे माना जाता है? एकदम यूनिक प्रश्न है। देखिए, डॉक्टर बी आर अंबेडकर, भीमराव अंबेडकर, ये प्रारूप समिति के अध्यक्ष थे। इनके नेतृत्व में अंतिम रूप से संविधान तैयार किया गया था। इसलिए इस प्रश्न का उत्तर डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी हैं। क्लियर? कोई डाउट नहीं है? ओके, अगला। चलिए आज के लिए इतना ही। अब हम कुछ इंपॉर्टेंट पढ़ लेंगे, उसके साथ ही आज की क्लास यहां पर हम खत्म करते हैं। ठीक है? देखिए, हमारे यहां एक सातवीं अनुसूची होती है। कौन सी? सातवीं अनुसूची है। कौन सी है? सातवीं अनुसूची। इसमें तीन तरह के विषय हैं। कौन सा? जो आपके लिए इंपॉर्टेंट है लिख दे रहे हैं। संघ सूची, राज्य सूची और समवर्ती। तीन प्रकार के विषय का वर्णन किया गया है। संघ सूची में संविधान में केंद्र राज्य की शक्ति उत्तर बंटवारा भी कह सकते हैं। ये शक्तियां विभाजित की गई हैं। इसमें 97 विषय हैं। कितने? 97। राज्य सूची में 66 विषय हैं। ठीक। और समवर्ती में 47 है। ये मैंने आपको इसलिए लिखवा दी, ये आप रट्टा मान लीजिएगा। ठीक है? संघ सूची में 2A 92 92B के रूप में तीन अतिरिक्त शामिल कर लिए गए, लेकिन अंतिम संख्या 97 ही है, न कि 100 है। कुछ लोग कहेंगे 100, तो 100 नहीं है, 97। 100 कैसे कहेंगे? इसमें कहेंगे सर 2A जोड़ा गया, फिर कहेंगे सर 92A ऐड किया गया, कहेंगे सर कुछ लोग 92B ऐड किया गया, लेकिन इसके अंदर समाहित किया गया। ठीक है? किसी भी रूप में सूचियों की संख्या 99 नहीं हो सकती। ठीक, इसलिए बात को याद रखिएगा। दूसरी बात, आप लोग एक बात और जानते रहिएगा कि डेली क्लास 9:30 बजे चलती है। आप सभी लोग इस टाइम लाइव आ जाएंगे डेली, और इसकी लिंक आपको टेलीग्राम पे मिलेगी, जहां पे आप दुर्गेश सर सर्च करके इन लर्निंग भी दुर्गेश पर जोड़ सकते हैं। सभी लोग जरूर टेलीग्राम ज्वाइन करिएगा, सभी लोग। साथ ही साथ ऑनलाइन से संबंधित अगर कोई जानकारी, नोट संबंधी जानकारी चाहिए, इन नंबर पर व्हाट्सएप करिएगा। ये क्लास जौनपुर जनपद से चलती है। अगर आपके साथी मित्र यूपी टेट, सी टेट, सुपर टेट, शिक्षक भर्ती वाले हों तो आप उन्हें जरूर भेजिएगा। मेरी क्लासेस निःशुल्क राष्ट्रहित देशहित में चलती हैं, ताकि आप भी अपना बेहतर देकर इस समाज का एक जो आवाज़ है वो लोगों तक पहुँचाएँ, और आपके माता पिता को भी आपसे गर्व हो। ठीक है? तो इसलिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। अंतिम बार अगर आपकी इरादा, आपकी आत्मा, आपका हृदय कहे हमारी क्लास को लोगों तक तो पहुंचाना चाहिए, तो वीडियो को लाइक करने के बाद जरूर शेयर करिएगा। ठीक है? तो इस सूची, संघ सूची में 97 विषय, राज्य सूची में, अच्छा एक बात मैं यहाँ पे बता दूं, संघ सूची में जितने विषय हैं उस पर कानून बनाने का अधिकार केंद्र सरकार को है। राज्य सूची में जो विषय है केवल राज्य सरकार। समवर्ती सूची में जहां पर दोनों केंद्र और राज्य दोनों सरकारें कानून बना सकती हैं, लेकिन दोनों में यदि विवाद हो तो केंद्र सरकार के कानून को प्राथमिकता दी जाती है। शिक्षा किसका विषय है? जल्दी से कमेंट करके बताइएगा। शिक्षा वर्तमान समय में किस सूची का विषय है? संघ सूची, राज्य सूची, समवर्ती सूची? इसका जवाब
आप कमेंट बॉक्स में कमेंट करके दीजिएगा। ठीक है सभी साथी, ध्यान दीजिएगा शिक्षा कौन सा है। सभी साथी फटाफट कमेंट करके बताइएगा, आप लोग सरकारी शिक्षक बनने की तैयारी कर रहे हैं, गवर्नमेंट अध्यापक बनने की तैयारी कर रहे हैं। मैं उम्मीद कर सकता हूँ इस प्रश्न का उत्तर आपको पता होना चाहिए। दूसरा प्रश्न, रेलवे और रेलवे पुलिस, रेलवे पुलिस दोनों का जवाब आपको कमेंट बॉक्स में देना है। रेलवे किसका विषय है, ठीक है, और रेलवे पुलिस किसका विषय है। थियरी के लिए अगर आप चाहें इस नंबर पर जुड़कर आप ऑनलाइन बात करके जानकारी ले सकते हैं। डेली क्लास 9:30 बजे चलती है, डेली 9:30 बजे, और पिछले सभी क्लासेज आप देख लेंगे जितने भी नए लोग आ रहे हैं। लाइक भले मत करिए लेकिन शेयर जरूर करिएगा, सब्सक्राइब जरूर मत करिएगा भाई, सब्सक्राइब भले मत करिए लाइक और शेयर जरूर करिएगा अगर आपका मन करे सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबाने का जरूर। रेलवे किसका है और रेलवे पुलिस जरूर बताइएगा कमेंट करके, ठीक है। बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत अच्छा लगा। कल आप लोग रहेंगे लाइव 9:30 बजे, कितने लोग रहेंगे एक बार कमेंट करके बताइएगा, कितने लोग ऐसे हैं जो लाइव रहेंगे। डेली क्लास खत्म होगी, एक एक टॉपिक खत्म होती रहेगी, अगली टॉपिक पढ़ते रहेंगे, पैरेलल हम लोग पढ़ते रहेंगे अनंत काल तक। एक टॉपिक खत्म, दूसरी टॉपिक शुरू करेंगे, वो खत्म अगले टॉपिक शुरू करेंगे, ये तब तक करते रहेंगे जब तक आपका सिलेक्शन ना होगा। 9:30 बजे एकदम राइट टाइम, अलार्म लगा लीजिए अपने मोबाइल में। सरकारी नौकरी जो चाहिए आपको, मेहनत आपको करना है, मैं तो मार्गदर्शक की भूमिका निभाता हूँ। सोचिए मैं विद्यालय में रहता हूँ, विद्यालय से आने के बाद विद्यालय का काम करता हूँ, फिर मैं अपने टाइम में से आपके लिए टाइम निकाल कर आपको लाइव पढ़ाता हूँ, लेकिन आप इतना नहीं कर सकते, आप अपना बेस्ट नहीं दे सकते। कॉपी कलम लेकर मेरी क्लास में बैठा करिए, लेकिन मैं चाहता हूँ। ये दोनों प्रश्न का जवाब मैंने इसलिए आपसे पूछा क्योंकि परीक्षा में ये प्रश्न पूछे जाते हैं, ठीक। मैंने आपसे इसलिए पूछा यहाँ पर इस रेलवे और रेलवे पुलिस के बारे में। तो कितने लोग क्लास से संतुष्ट हैं जो अपने सभी मित्रों को पहुँचाएंगे। क्लास बड़ी होती है लेकिन आपके सिलेक्शन से बड़ी नहीं होगी, ठीक है। सभी लोग टेलीग्राम पर इसकी PDF उपलब्ध होती रहेगी कुछ दिन बाद से, टेलीग्राम पर जुड़िएगा और ऑनलाइन क्लास का हिस्सा बनने के लिए इस नंबर पर व्हाट्सएप करिएगा। जौनपुर जनपद में है तो खोजते हुए आइएगा, ठीक है, ठीक। बहुत बहुत धन्यवाद आपका, बाय बाय, बेस्ट ऑफ लक, जय हिंद जय भारत, वंदे मातरम, लगे रहिए क्योंकि रेस के घोड़े रेस में अच्छे लगते हैं, खेत में नहीं, और आप रेस के घोड़े हैं। आज की क्लास कैसी लगी एक लाइन में बताइएगा, आज की क्लास कैसी लगी एक लाइन में बताइएगा, ठीक ठीक समझ में आया, एक लाइन में बताइएगा कि आज की क्लास कैसी लगी, एक लाइन में जरूर बताइएगा। क्लास खत्म होने के बाद बताइएगा, कमेंट सेक्शन में जाके बताइएगा, ठीक है, क्योंकि अभी की कमेंट बाद में नहीं दिखेगी। आप अपने साथी मित्रों को जोड़ेंगे क्या, इस लिंक को शेयर करना चाहेंगे दोबारा, ठीक, बाय बाय। हम जौनपुर से हैं और जौनपुर में ही विद्यालय मिला है, थैंक यू। अरे पढ़ते रहिए, एक ही दिन में सब नहीं खत्म करना है, बाय बाय। स्क्रीनशॉट कर लीजिएगा अगर आपको अच्छा लगे तो, थैंक यू आप सभी का, बेस्ट ऑफ लक। जिस जिले से उस जिले ग्रुप में एक बार डाल दीजिएगा इसको, इरेज कर रहे हैं, बाय बाय।